साथियों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। जो आपकी निष्ठा की ट्रेनिंग चल रही है, ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम, उसी के अंतर्गत मैंने जो है कोर्स 10 का जो है वीडियो अपलोड कर दिया है। और उसके बाद 11वां जो हमारा कोर्स है वो है भाषा का शिक्षण शास्त्र। ये उत्तर प्रदेश और अन्य जो सभी हिंदी भाषी राज्य हैं उनके लिए, इसमें जो मेन हमारी प्रश्नोत्तरी है उनके हम प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने की जगह पढ़ाने होना चाहिए, पढ़ाने के समय करने का कार्य है। शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना। अगला हमारा जो ऑप्शन है वो है कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड यानी व्याख्या करने को कहना। अगला है शिक्षार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वे कहानी के पात्रों में से एक हैं और अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखने को कहना। या फिर है शिक्षक का पाठकों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में संचालित करना। तो इसका ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल सही है, उसको आप सही लगा दीजिए। चलिए हमारा अगला दूसरा प्रश्न बहुत आसान और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य क्या है। शिक्षार्थियों से उनके पिछले ज्ञान के बारे में बात करना, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना, कठिन शब्दों के खोजने के लिए विद्यार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना, पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले नए शब्दों के बारे में बात करके नए पाठ की शुरुआत करना। तो यहाँ पर आपका जो है दूसरा वाला बिल्कुल सही जवाब होगा और इसको आप लगा करके आगे बढ़ जाना है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है। पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों का डिकोड यानी व्याख्या करना है, या फिर पढ़ना ध्वनि समूह शब्दों और वाक्यों को सीखने से शुरू होता है, या फिर पढ़ना शिक्षार्थियों को विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, या फिर पाठ पढ़ने के लिए विचारों को समझना है। तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देखिए 4 आपको ये वाक्य दिए गए, उन 4 में से छांट के लिखना है कि वर्तमान भाषा सीखने के नज़रिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है। तो देखिए, सुनना बोलना पढ़ना लिखना ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है, या फिर सुनना बोलना पढ़ना लिखना ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है, या फिर लिखने से पहले सुनना बोलना और पढ़ना विकसित होता है, या फिर लेखन एक भाषा सीखने से शिक्षार्थियों द्वारा विकसित किए जाने वाले अंतिम कौशल हैं। अब आप आई बटन को थोड़ा सा दबाएंगे तो देखिए उसका जो कौन सा कथन सही उसके लिए आ गया। देखिए तो इसको आपने देखना है कि वर्तमान भाषा सीखने के नज़रिए से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सत्य है, उसे आपको प्रेस कर लेना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बच्चे अब्लिक मानव सीखते हैं, स्कूल में केवल मातृभाषा, काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा, बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा, बहुत प्रयास से मातृभाषा। देखिए बहुत आसान प्रश्न था, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा कि बिना किसी प्रयास के मातृभाषा सीख रहे, यानी कोई भी बच्चा उसकी माँ धीरे धीरे जो अपनी भाषा बोलती है और भाषा वो बिना ही प्रयास के भाषा वो सीख जाता है। तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि, केंद्रीयता का अर्थ, तो उसमें पहला प्रश्न है, पहला हमारा ऑप्शन है सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना, ये तो बिल्कुल सही है। सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना, ये सही नहीं है। विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए। और हमारा अंतिम ऑप्शन है,
भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? पहला ऑप्शन है, सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं। स्कूल में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेजी सीखते हैं। सभी बच्चे राजभाषा के माध्यम से सीखते हैं। या फिर हमारा अंतिम जो है ऑप्शन है, सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये चारों ऑप्शन दिए गए, उन चारों ऑप्शनों में अगर हम पहले वाले क्वेश्चन को पढ़ता हूँ तो आता है मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता का क्या अर्थ। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बच्चा जब भी अपनी मातृभाषा में सीखता है उसमें कई भाषाओं का समावेश होता है। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा में विषय वस्तु सीखना। अगला हमारा ऑप्शन है, कई भाषाओं का सीखना सिखाना और शिक्षण। अगला है, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। और अगला हमारा है, त्रिभाषा सूत्र को लागू करना। तो यहाँ पर देखिए बात कर रहा था कि कौन सी रण है, तो इस यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम तीसरे वाले प्रश्न को टिक कर देंगे और एरो का जो बटन है उसे प्रेस करके आगे हमको बढ़ जाना है। चलिए भैया बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें भाषा कौशल का निर्माण करना है। वाक्य और कहानियाँ पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना है। और हमारा अंतिम है, मौखिककरण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न के अनुसार यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसलिए हम चौथे वाले ऑप्शन को चुनेंगे और जो है एरो बटन दबा करके प्रेस करके हमें अगले वाले प्रश्न पे बढ़ जाना है। और अब हम देखते हैं आज का हमारा अगला वाला प्रश्न कौन। आज का ये अंतिम प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या हैं, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो पहला हमारा कथन है, मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। चलिए अगला है, दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा ना तो समर्थन करती है और ना ही हस्तक्षेप करती है। ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं, मातृभाषा से ही सीखते हैं। अगला है, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। बिल्कुल सही। और अगला है, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने में समर्थ करती है, ये भी सही है। तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा प्रश्न इसमें सही हो सकता, तो हमने देखा था पीछे तीसरा और चौथा जो था वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल वहाँ पर सही था। इस हिसाब से यहाँ पर हमारा अंतिम वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो साथियों ये थे हमारे थे 10 क्वेश्चन। अगर आप ये 10 क्वेश्चन करते हैं तो आपका स्कोर 10/10 होगा।